हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर आज अगेन आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। बनाने जा रहे हैं आपके लिए रागी के बहुत ही मुलायम फूले फूले पराठे, बहुत ही हेल्दी, बनाने में आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। ग्लूटेन फ्री खाना खाना हो तो सबसे ईजी रेसिपी है रागी के पराठे, रागी की रोटी बनाना। बस कुछ नहीं करना, एक पैन लेना है, पैन में डाला है हमने पानी, पानी हमने लिया यहाँ पे एक कप, यानी जितना आपको आटा लेना है उसी के बराबर का पानी यहाँ पे डालिएगा। साथ में आधी चम्मच नमक और यहाँ पे हम डालेंगे आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने मिर्च का यूज़ करा है। रोटी बनाते तो हम यहाँ पे मिर्च का यूज़ नहीं करते, केवल नमक से ही हम हमारे डो को लगा के तैयार कर लेते। आधी चम्मच जीरा डाला है, एक चम्मच यहाँ पे हमने डाला है तिल, और इसके साथ ही यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक चम्मच यहाँ पे हमने डाला है देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। गैस हमारी हाई फ्लेम पर है, आटा हमें ठंडे पानी में नहीं डालना, पानी हमारा अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, तेज गर्म जिसे हम कहते हैं, बॉईल नहीं होना चाहिए, तभी हम तुरंत हमारा आटा इसमें मिला देंगे। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें से भाप आने लगी थी, तो हमने यहाँ पे एक कप आटा मिलाया है, यानी जिस कप के नाप से हमने पानी लिया था उसी कप के नाप से हमने यहाँ पे रागी का आटा लिया है। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे चलाते हुए मिक्स करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, और चलाते हुए ही हम इसका डो लगा के तैयार करेंगे। करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसका एक परफेक्ट डो लग के तैयार हो जाएगा। बहुत ही बेनिफिशियल होता है रागी का आटा, स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसका आटा लगाना बहुत ही सिंपल है, इस तरह से अगर इसका आटा लगाएंगे तो है ना, आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी कि आटा किसी भी तरह से बह रहा है या बहुत जल्दी लूज़ हो गया है। ग्लूटेन फ्री आटा है इसलिए मैदा के डो और गेहूं के आटे के डो की तरह इसमें खिंचाव नहीं आ पाता, इसलिए बेस्ट वे है इसे इस तरह से इसका डो लगा के तैयार किया जाए। बहुत इजीली तैयार भी हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक ये आपका चल जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये रोल भी हो जाता है। इस पराठे में आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और मसाले भी मिला सकते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारा ये डो लग के तैयार हो गया है। गैस हमारी स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रही है पूरे ही प्रोसेस में, पानी में आटा डालने के बाद बस निकाल लिया है इसे एक बर्तन में, इसे मैंने थोड़ा सा इसमें गैप कर दिया जिससे कि जल्दी इसे ठंडा हो जाए। ये इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसकी स्टीम रिलीज हो जाए और हम इजीली से हाथ से हैंडल कर सकें। चलिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हाथ में मैंने हल्का सा घी ले लिया है और बस इसे मसलते हुए हमें अच्छे से सेट कर लेना है, चिकना कर लेना है हमारे पराठे बनाने के लिए। बहुत ईजली और बहुत अच्छे से सेट होकर तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तैयारी करेंगे इसे रोल करने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सूखा आटा ले लिया है रागी का ही, और बस इस आटे में से, इस डो में से हमें छोटी छोटी से बॉल तोड़ लेनी है अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि आप चाहें जितनी बड़ी छोटी रोटी बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी एक एक दो दो बॉल्स तोड़ के रख लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा साइज लिया है इसकी बॉल का, और बस थोड़ा सा सूखा आटा रागी का डस्ट करते हुए हमें इसे रोल कर लेना है। आप देखेंगे बहुत ईजली और बहुत स्मूथली ये रोल हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी इसे रोल करने में। और सभी ग्लूटेन फ्री आटों की रोटी परांठों की तरह इसकी साइड्स भी स्मूथ नहीं आती, आप चाहें तो ऐसी बना सकते हैं या इस तरह से इसे कट करके भी आप बना सकते हैं, बहुत ईजली कट हो जाएगी और बहुत ही अच्छी गोल रोटी आपके पास बनकर आएगी। इस तरह से साइड्स स्मूथ हो जाती हैं तो रोटी भी अच्छी फुली फुली और सॉफ्ट बनती है, इसलिए हमने इसे इस तरह से कट कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी पतली रोटी हमने इसकी बनाई है, बिल्कुल भी मोटी रोटी हमने नहीं बनाई। दूसरी तरफ हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा हमारा गर्म हो गया है, हल्का सा इसे घी से ग्रीस कर लेंगे और बस डाल देंगे हमारी रोटी। इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पचाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसका पराठा सेकेंगे, जिससे ये अच्छे से सेक भी जाएगी और बहुत ही अच्छी फुली फुली पराठे हमें मिलेंगे। पहले 2 से 3 मिनट हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है, और 2 से 3 मिनट बाद हमने इसे पलट दिया है, और बस घी या तेल जिससे भी आप चाहें इसे दोनों तरफ से हमें सेक लेना है। वैसे ज़्यादा घी या तेल की ज़रूरत नहीं है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पराठों में ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये हल्के घी में ही बिल्कुल अच्छे से सेक कर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मुलायम पराठे बनते हैं। हल्के से गोल्डन स्पॉट्स इनके ऊपर आ जाएँ तब तक हमें इन्हें दोनों तरफ से पलट पलट के सेकना है घी लगाते हुए, और सारे ही पराठे हम हमारे इसी तरह से सेक के तैयार कर लेंगे। आप इन रोटियों को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको गेहूं का आटा मना हो तो आप इस रोटी को बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है और ग्लूटेन फ्री होती है। तो हमने हमारे सारे ही पराठे बना के तैयार कर लिए हैं,
इतने डो में हमारे 8 पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आप इस सब्जी, अचार, चटनी किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। लौकी की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी के साथ तो ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पराठे बनकर सर्विंग के लिए तैयार हैं। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।